वेलकम बैक गाइज इन यूट्यूब चैनल एंड मैं फिर से आपके लिए एक मजेदार वीडियो भर मजेदार और मस्ती से भरी वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि मैंने काफ़ी सर्चेस करी। और सर्चेस करने के बाद मुझे पता चला कि हरिद्वार हल्की पौड़ी में मिलता है एक फेमस खाना, जो कि मतलब भगवती जी छोले भटूरे वाले हैं, जो कि वहाँ के फेमस हैं। तो क्यों ना फिर वहाँ पर उनके खाना टेस्ट किया जाए। तो इसीलिए मैंने एक्सप्लोर करने के लिए मैंने हल्की पौड़ी हरिद्वार जाने के लिए ट्राई किया। जो पावन स्थल पावन स्थल पर जाने के बाद कुछ अच्छा खाने के लिए मिल जाए तो फिर उधर मज़ा दोगुना हो जाता है। तो उसी टेस्ट को लेने के लिए आज हम जा रहे हैं हरिद्वार हल्की पौड़ी। मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, तो चलिए फिर वीडियो को एंड तक देखा, वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। यार हमारे कार हो गई जाने के लिए रेडी और हम सब रेडी है, बस निकल रहे हैं थोड़ी देर में घर से। घर के सभी लोग हो चुके हैं रेडी, तैयारी चल रही है और मम्मी रेडी। चलो मम्मी भी तैयार, हाँ भी तैयार, ये सब रेडी हो गए, अब बस निकल रहे हैं यहाँ से थोड़ी देर में। चलो भाई जर्नी होती है शुरू, प्लीज वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना, सभी को अच्छे अच्छे सारी चीजें मैं यहाँ से गाइड करूंगा, तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देख, काफी मजा आने वाला है वीडियो में। तो सफर हो गया शुरू, अब देखते हैं आगे क्या होता है और आपको काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को देखना जरूरी है पूरी। इसमें इतना मजा आने वाला है, बहुत सारी मौज मस्ती होने वाली है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ यहाँ से घर से निकल रहे हैं, यहाँ से घर से निकलते हैं और अब सीधा पहुँचते हैं हरकी पौड़ी। और आप भी आ जाओ हमारे साथ, डुबके लगवा के लाते हैं, डुबके लगवाएंगे आपको भी। वो यहाँ से घर से तो निकल गए, अभी हमें अपने ड्राइवर को पिकअप करना है, जो कि हमारे साथ जाएंगे हरिद्वार और हमें सेफ ड्राइव के लिए गाइड करेंगे, तो उनको लेना है अभी, तो उनके लिए हम जा रहे हैं यहाँ से पूरी फैमिली के साथ। पीछे फैमिली पूरी बैठी हुई है मेरी, सभी बैठे हुए हैं, फिर गाड़ी में से काफी भीड़ होने वाली है, पूरी फैमिली यहाँ पर है। पीछे आने वाले हैं अभी, अभी आगे बैठा, थोड़ी देर में पीछे जाने वाला। अभी मैं आगे अभी मैं आगे बैठा हूँ, तो फिर हमारी कार के जो ड्राइवर हैं भैया वो आ जाएंगे और मुझे पीछे बैठना पड़ेगा। अब भैया बैठेंगे सीट पे आगे, और मुझे बिल्कुल बीच में। और भाई मैं ड्राइव इसलिए नहीं करना चाहता, बिकॉज मुझे करना है मेरा ब्लॉग शूट, तो भाई मैं ब्लॉक पे वैसे सेफ्टी के साथ वो समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं तो साइड में बैठूंगा। ड्राइवर हमारे, हमें ड्राइवर भैया को लेना पड़ा, क्योंकि भैया को करना था ना ब्लॉक शूट, अगर भैया कार ड्राइविंग करेंगे तो ब्लॉक शूट कौन करेगा। एग्जैक्टली, तो जिन भाई को करना था जोन, वो भैया आ चुके हैं हमारे ज्वाइन करने, भैया के साथ चलते हैं आगे और आगे का सफर होगा यहाँ से तय। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ को और मैं ले लेता हूँ अपनी ड्राइविंग से साइड वाली जगह, अब बैठ जाता हूँ जल्दी से। चले तो दीपक भैया, चलो अच्छे से करते हैं ड्राइव, और ये हमारे सेफ ड्राइव करते हैं भैया, तो दीपक भैया ही लेके जाएंगे यहाँ से, मैं करूँगा अपना ब्लॉग शूट। तो सफर हो गया शुरू, अब यहाँ से चल रहे हैं सीधा हम, ये नया एक्सप्रेस वे बना है जो कि सीधा हरिद्वार मेरठ से होते हुए उधर किधर भी आप लंबी रूट पे जा सकते हैं। भाई कहीं भी आओ जाओ, डॉक्यूमेंट पूरे रखो, पुलिस ने गलत ये सकता है, जगह जगह पुलिस खड़ी मिलती है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है भाई, अच्छा, और हमारी सेफ्टी के लिए बनाई गई है। अच्छा समझ गया। और अब चलान काट कर उठाती कहीं नहीं है, अब अपने घर पे जाओ, चाय पानी पियो, ऑनलाइन तुम्हारे पास चलान पहुंच जाएगा। ये है एक्सप्रेस वे जो भी सीधा मेरठ हरिद्वार को होते हुए जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर, तो यहाँ से सीधा हरिद्वार के लिए रास्ता जाता है, बहुत क्लीन रूट बनाया है। तो यार पहुंच गए टोल पर, अब यहाँ से देंगे हम टोल आगे जाने के लिए, और मैं अमाउंट भी बता दूंगा आपको कितने रुपए यहाँ पर। अब वीडियो को एंड तक देखें, सारी चीजें आपको गाइड करूंगा इसमें। तो अभी कट रहा है टोल यहाँ से, और ये टोल में भी 180 या 200 रुपए का होगा। यार ये टोल वाले हमेशा लफड़ा करते हैं, कार्ड में रिचार्ज कर दिया, पैसे दे दिए, आईडी जमा कर ली है, अब आईडी लेकर आनी पड़ेगी वहां जाके। तो यार टोल से ले ली अपनी आईडी, अब चलते हैं आगे, और आगे का मैं सारा आपको गाइड करूंगा इसके लिए, अब देखते हैं आगे क्या ही होगा। अब चीज अच्छी नहीं लगती यार, कि आप मतलब एक छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी अपनी जो इनकी फैसिलिटी है इनको तो ठीक करते नहीं है, और दूसरों के लिए ये मतलब ड्रामा क्रिएट कर देते हैं कि आईडी नहीं है, टोल नहीं है, जबकि पैसे डले हैं टोल में, लेकिन ये फिर भी इन्होंने आईडी ले ली। ये चीजें टोल की बहुत बेकार होती हैं, तो इन चीजों को हमेशा ना ठीक करना चाहिए। अभी क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे हैं? बहानों को घुमा रही बाहर, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? ये अकेला था ना घर पे। अरे बहन कहाँ, घर पे अकेले छोड़े तुम्हें? मौसम हो रहा है गंदा, पता नहीं ऐसे से बारिश होने वाली है, और हरिद्वार के रूट पर हैं, अब जा रहे हैं, निकल चुके हैं, टोल वोल क्रॉस कर चुके हैं, ये मुजफ्फरनगर वाला टोल था। अब डला लेते हैं फटाफट से सीएनजी, और सीएनजी डला के बढ़ेंगे आगे। अब हमारे ये आ गया सेकंड टोल, अब यहाँ से सेकंड टाइम अमाउंट डिडक्शन होगा। निकाल
जल्दी की पहले बाइक वालों को निकाला फिर हमारी कार। तो गाइज अभी थोड़ा सा आगे जाना था लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, बैठे बैठे गाड़ी में थोड़ा थकान भी हो गई, तो गाड़ी में बैठे बैठे थकान हो गई तो हमने सोचा क्यों ना फिर चाय पी जाए। तो हमने रोड के साइड रुककर एक खोके पर चाय के लिए ऑर्डर किया, वो पीछे मेरे खोका है वो वहाँ पर। तो अब बाकी एक और मैं तुम्हें यहाँ का पीछे का सीन दिखाता हूँ, एक बार आप देखो यहाँ का सीन कितना अच्छा, देखो ईंट कितने बड़ी बड़ी यहाँ पर गन्ने हो रहे हैं देखो, है ना, वहाँ पर है ये बड़ी बड़ी ईंट, मम्मी खड़ी है, भाई भाई कहीं नई जगह जाकर रुको और कुछ ऐसा देखने को मिल जाए तो मजा आ जाता है। देख रहे हो ईंटों के बीच में खड़ा हूँ मैं, या ईंट के पूरे अंदर तक, अंदर काफी बड़े बड़े गन्ने ये हो चुके हैं, पक चुके हैं लगभग ये। तो बाकी चलो चाय पी लेते हैं जल्दी से यार। हाँ तो भैया बना दी, रख दी चाय? जी चाय रख दी आपके। चाय रख दी भैया ने, चाय बनने को हो गई यहाँ पे, सभी लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। क्या क्या डाल दो भैया इसमें? इसमें अदरक डाल रहे हैं भाई जी, और इलायची डालते हैं, और चीनी डालते हैं, और पत्ते डालते हैं, तब जाके बनती है चाय, तब जाके चाय बनती है, दूध डलता है भाई जी, वो भी अच्छी वाली चाय जी। तो बढ़िया सी चाय पिलाना जो एकदम अच्छी पिलाएंगे भाई साहब। ठीक है भाई जी। सचिन क्या क्या पिलवा रहा भाई? चाय बन रही है, चाय चाय बढ़िया से बन रही है, कड़क से एकदम। हाँ वो कड़क चाय बन रही है वहाँ पर, और कुल्हड़ चाय, कुल्हड़ चाय। दीपक भाई तुम? कुल्हड़ चाय, कुल्हड़ चाय। हाँ भाई स्टिंग, स्टिंग। और तुम्हारी? तुम्हें क्या चाहिए? पानी पीने वाला, पानी, ये पानी पियेंगी। रोड के साइड हमने इतनी अच्छी जगह यहाँ पे गाड़ी रोक के सिर्फ पानी के लिए, कोई बात नहीं हम तो चाय पियेंगे। ये आ गई बन के चाय, हमारे घर का खाना रखा है। तो चाय बनी थी बहुत टेस्टी और चाय अब हमने पी ली, चाय पी के अब हम चलेंगे हरिद्वार की तरफ। चले आप उठो, उठ जाओ, चलो पूरी चाय फिनिश करके रखना। जिनके देखो सामने, देखो अब दिखाई दे सामने पहाड़, अब दिखे हैं मुझे। हम बना वो वीडियो तो आराम से शॉट कर देंगे। एक तो आप हरिद्वार आए हो, और आप हरिद्वार आए हो और फरके बोड़ी ना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पूरी फैमिली के साथ मैंने सोचा देखो यहाँ पर एक्सप्लोर तो करना ही है खाना, लेकिन खाना खाने से पहले क्यों ना हर की पौड़ी पर जाके दर्शन कर लिया जाए, वहाँ पे स्नान कर लिया जाए। तो इसीलिए अब हम फिलहाल हम तो आगे की ओर जा रहे हैं, हर की पौड़ी पर जाकर थोड़ा स्नान करेंगे, देन फिर देखते हैं आगे, खाना तो खाना ही है एक्सप्लोर कर। ये मम्मी चल रही है बैग लेके, निशा, निशा भी जा रही है, वो कह रहेगी बाकी की फैमिली चलो आगे, राम राम से क्यों चल रही हो, इन्हें देखो सबसे सुस्त तुम्हारे घर में ले जी। यार हरिद्वार में इतनी ज्यादा गर्मी ना इस बार, पता नहीं क्यों सीजन से पहले गर्मी आ गई है, देखो हाय। वहां बोतल देखी मम्मी ने, बोतल खरीद ली गंगा जल के लिए, मम्मी बोतल की खरीदी है, बोतल की खरीद ली जल के लिए। अच्छा जल लोगे, मम्मी ने जल के लिए बोतल खरीद ली, यहाँ से मिलते हैं कुर्ते, आप यहाँ से कुर्ते खरीद सकते हैं दर्शन कर। गंगा जल भर लिया, ले लिया सो यार लेके शिव शंकर भोले जी का नाम, आप करो गंगा जी के दर्शन, और हम पहुंच गए हरिद्वार, हरिपीठ, हर की द्वार, हर की पौड़ी पर। और यहाँ से आपको जैसा कि व्यू दिख रहा है पीछे, देखो वहाँ पर ऊपर झूले चल रहे हैं, ऊपर चंडी देवी जी का मंदिर है। तो यहाँ पर काफी अच्छा एक्सप्लोरेशन, आपको काफी अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पर खड़े होने के बाद, मुझे काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बेशक इतनी तेज धूप है लेकिन धूप होने के बाद भी काफी ठंडी ठंडी हवा लग रही है यहाँ पे, एक अच्छा ही माहौल है। बाकी मैं हर की पौड़ी आई, स्नान करा यहाँ पर आके, मोक्ष ही मिलती है आपके जितने भी, मतलब आपसे भी गलत काम हो चुके हुए हो उनकी मुक्ति के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, बट मेरा मानना है कि यहाँ पे आस्था के लिए आते हैं। तो एनर्जी महसूस होती है खुद में जब आप किसी पावन स्थल पर होते हैं या किसी तीर्थ स्थल पर होते हैं, जैसे कि मैं हर की पौड़ी पर हूँ हरिद्वार में, तो यहाँ पर मुझे एक अलग सी ही वाइब फील हो रही है, अलग सी ही एक फ्रेशनेस वाली एनर्जेटिक, मतलब मुझे एनर्जी अपने आप में फील हो रही है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पर सब नहाने, मेरे घर के भी सभी यहाँ पर नहा रहे हैं, सब अपने अलग ही फील में, ये देखो क्या ही आनंद में सीन है यहाँ पर। ये हमारी माता जी गंगा जी के दर्शन करते हुए और उनको अपने हाथ से जल अर्पण करते हुए काफ़ी आनंद में फील हो रहा है यहाँ पर बैठ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे कि फैमिली के साथ हूँ मैं, देख रहा हूँ सभी लोग यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, कोई अपने बच्चों को नहला रहा है, इधर लोग बाग बैठे हैं, एक अच्छा ही भैया लगवा रहे हैं टीका, लगाया जाता है तो मैंने यहाँ पर टीका लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पर दर्शन लेते हुए गंगा माता के साथ अब आगे बढ़ेंगे, आगे का सफ़र तय करेंगे, चलते हैं आगे। Okay.
अब यार हरिद्वार आए हैं, पावन भक्ति स्थल पर आए तो क्या अपना रंग रूप भी तो बदला जाएगा, इसीलिए मैंने ये एक छोटी बच्चे ने जिद करके लगवा दिया। उधर से भाई हाई कर रहे हैं, वो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। यहाँ पर अब इन्होंने कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर रही हैं, मम्मी कुछ सामान ले रही हैं, गली के पास छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनके लिए कुछ ले रही हैं मम्मी यहाँ से सामान। यार जैसे जैसे मैं हरिद्वार में आगे जा रहा हूँ वैसे मुझे लग रहा है कि मैं डेस्टिनेशन के क्लोज आ गया हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ही दूर यहाँ पर डेस्टिनेशन है जहाँ पर हमें खाने के लिए जाना है, तो आप वीडियो को देखते रहो। बस पहुँचने वाले हैं भगवती छोले भंडार के पास हम। तो यार फाइनली डेस्टिनेशन पर हम पहुँच गए हैं, यह है भगवती छोले भंडार। यहीं पर हमारी लोकेशन थी, यहीं पर हमें आना था, तो चलो आगे देखते हैं वीडियो में अब, और यहाँ से कर लेते हैं खाने को टेस्ट। तो भगवती छोले भंडार के ये ओनर है हमारे गौरव अरोड़ा जी, जिनको आपने पहले काफी टाइम यूट्यूब पर पहले भी देख चुके हैं। बड़े हैं, मैं तो तीसरी पीढ़ी खड़ा हूँ यहाँ पर। वैसे गौरव भैया कितना टाइम हो गया यहाँ पर? यहाँ पर मैं तीसरी पीढ़ी खड़ा हूँ। आप थर्ड जनरेशन आप हैं, तो इससे पहले आपके पापा फिल्म सर की फोटो लग रही थी, वो भैया जी के पापा जी हैं और उनके इधर सॉरी उनके सामने दादाजी हैं वो। तो ये थर्ड जनरेशन है भैया जी। एंड भैया जी ओवरऑल कितना ईयर हो गए होंगे यहाँ पर आपको? पिछहत्तर साल से ज्यादा हो चुके, क्योंकि आप इससे, क्योंकि मैंने आपकी से दो साल पहले वीडियो देखी थी, 75 इयर्स ओवरऑल तब हो चुके थे आपको। एंड दो साल बाद मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे भी पता चला था आपके बारे में। एंड भैया आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप जैसे कि सर्व करते हैं खुद, यहाँ तक कि वो ओनर होने के बाद खुद भी वो सर्व करते हैं, वो किसी से मतलब उनके पास इतनी सारी लेबर है बट फिर भी भैया खुद से ही ध्यान रखते हैं, खुद से ही बोलते हैं। एंड थैंक यू सो मच भैया, आपका टेस्ट हमेशा ऐसे ही आपको ग्रो होती रहे, ये हमारी बेस्ट विशेज रहेंगे आपके लिए। तो आपने गौरव अरोड़ा जी को काफ़ी देखा होगा यूट्यूब पर, और मैंने इनको काफ़ी बार पहले देखा भी है, जैसे कि अभी बिजी हैं गौरव अरोड़ा जी। यही हैं इसके ओनर जो गौरव अरोड़ा जी हैं, यहाँ पर अपना काम संभालते हैं, और इनका ये पूरा यहाँ पर है, ये हर की पौड़ी पर सबसे फेमस छोले भटूरे वाली दुकान है, और जो कि हर की पौड़ी के जस्ट अपोजिट है, और काफ़ी अच्छे से साफ स्वच्छता तरीके से ध्यान रखता हुआ है खाना बनाते हैं, और इनका काफ़ी अच्छे यहाँ पर खाने का मुझे काफ़ी तरीका अच्छा लगा। ये है वो चने का सूप जिसके लिए मैं आपको बता रहा था, जो कि रात को पिलोते हैं और खाने के साथ सर्व करते हैं। यहाँ पर इनका सिटिंग एरिया है, सिटिंग मैनेजमेंट है बैठने का, एंड यहाँ पर हो रहा है खाना तैयार। तो अभी आपको जो भी यहाँ पर है अभी मैं ऑर्डर करूँगा अपने खाने के लिए, अभी देखते हैं। हम पहुँच गए भगवती छोले भंडार, और मैं जस्ट अभी वहीं पर खड़ा हूँ, और यहाँ पर ये सब अपना काम में लगे हुए हैं, सब कह रहे हैं कि आपको जो भी खाना है वो सब अवेलेबल है, तो यहाँ से ले लेते हैं और लेके करते हैं इसका टेस्ट। और ये पड़ते हैं हरिद्वार हर की पौड़ी के जस्ट अपोजिट, और ज़्यादा नहीं वहाँ से हर की पौड़ी से ये 300 या फिर 400 मीटर की दूरी पर पड़ते हैं, और वहाँ पर इनका यहाँ पर ही अपना इनकी दुकान है भगवती छोले भंडार। तो चलो फिर इनका खाना टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से खा के, और अब मैं मैंने यहाँ की फेमस जो छोले भटूरे की प्लेट है वो ऑर्डर कर दी है, और जस्ट अभी आने वाली है, आएगी तो मैं आपको जस्ट उसके बाद खिलाऊंगा, तो अभी आप मेरे साथ खाएंगे यानी मैं खाऊंगा, टेस्ट तो वही बताएंगे, तो फिर देखते हैं अभी आने वाला है ऑर्डर, बस देखते हैं कि कैसा होगा खाना। तो भाई हमने ऑर्डर कर दिया छोले भटूरे की प्लेट, जो जस्ट अभी आने वाली है, और वहाँ पे वो हमारे लिए मतलब रेडी कर रहे हैं उसको, जैसी वो आएगी इसका टेस्ट मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा कि भगवती छोले भंडार का जो टेस्ट है वो कैसा टेस्ट है, हमको आपके साथ शेयर करूँगा। ये भैया लेकर आ गया हमारा ऑर्डर, और इनका जो खाना करने का सर्व करने का तरीका है वो इतने प्यार से इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो गाइस अब कर रहा हूँ मैं इनका टेस्ट, अब टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसा टेस्ट है। यहाँ थोड़ा पंखा चल रहा है तो आवाज़ बहुत कम आ रही होगी, इसके लिए मैं सॉरी, एंड मैं खाना टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा टेस्ट है, मैं खा के बता देता हूँ। तो गाइस अब मैं इसका टेस्ट खाकर आपको बता रहा हूँ कि कैसा है। ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बहुत यूनिक टेस्ट है, यूनिक के साथ से पकता है टेस्ट। आप भी देखो कैसा टेस्ट आ रहा है, यूनिक टेस्ट है इसमें बहुत ज़्यादा। और ये इनका चने का सूप,
वाह मजा आ गया भाई खाने एकदम। हैप्पी विश करना आके यहाँ पर बहुत अच्छा है यार। अभी जस्ट यहाँ से खा के निकला हूँ, इनका जो टेस्ट है ना वो टेस्ट लाजवाब है। कैसा था टेस्ट वो भी? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और जो वो सूप था चने का वो तो एकदम मरता है, थोड़ा उसमें टैंगी टैंगी टेस्ट आ रहा था और बहुत ही ज्यादा टेस्टी था वो। एंड हमने पैक भी कराया घर के लिए, हम घर पर लेके जाएंगे, इतना टेस्टी है। क्योंकि मम्मी और वो सब यहाँ पर गाड़ी पार्क करने अलाउड नहीं थे तो हमने पीछे खड़ा कर दिया था, तो हम आ गए थे तो उनके लिए भी मैंने ले लिया है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इनका, तो आपसे मैं बोलना चाहूँगा, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को करना, काफ़ी अच्छा यहाँ पर टेस्ट है इसका। तो आप आएंगे तो डेफिनेटली आपको टेस्ट मिलेगा, टेस्ट बहुत अच्छा था। एंड मैं आगे और भी अच्छी वीडियो बनाऊँगा इसके लिए आपको, और इससे भी दूर जाने की कोशिश करूँगा कि आपको कुछ और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मैं बता सकूँ और दिखा सकूँ। तो क्या हम नेक्स्ट टाइम फिर किसी अच्छी जगह जाएंगे ना? फिर दोबारा देखेंगे तो यहाँ पर खाना मुझे बहुत अच्छा लगा इनका, तो आप आके मस्ट विजिट करें और आपको यहाँ पर आके अच्छा लगेगा। क्योंकि आप एक हरिद्वार भी घूमने आ सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर फेमस खाना तो बहुत अच्छा लगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का रास्ता है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपने मुझे हर वीडियो में प्यार दिया तो इस बार भी इस वीडियो में भी काफ़ी प्यार दें ताकि मैं और भी अच्छी